हाउ टू ग्रो बियर्ड इन वन मंथ, ग्रो बियर्ड एट अ रॉकेट स्पीड। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको बताऊंगा कि बियर्ड की लंबाई किस तरीके से बढ़ाना है या आपकी बियर्ड काफ़ी ज़्यादा पेची है तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर करना, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है, वरना इम्पोर्टेंट जानकारी आप इस वीडियो में मिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बियर्ड की ग्रोथ ना होने की कई वजह होती है। कई लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा हॉर्मोनल इम्बेलेंसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, या पूरा डाइट है, आपकी डाइट में अच्छे वाइटामिन्स बायोटिन कमी की वजह से भी आपकी बियर्ड की ग्रोथ अटक जाती है। तो आपने बियर्ड को उगाने के लिए कई तरीके के ऑयल यूज़ किए लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मार्स बाय जीएससी की तरफ से सर्ज मैक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पूरा डाइट है, आपकी डाइट में कुछ चीज़ें शामिल नहीं है जिससे आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, आपकी ग्रोथ अटक गई है शरीर की भी और आपकी बियर्ड की भी, बॉडी आपकी काफ़ी वीक होने लगी है, तो उन केसेस में इस सर्ज मैक्स का इस्तेमाल करके आप अपना टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर दोगे जिससे आपकी बियर्ड काफ़ी घनी दिखाई देने लगेगी, थिकर भी बनेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सर्ज मैक्स जो मार्स बाय जीएससी की तरफ से, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इस सर्ज मैक्स के अंदर अश्वगंधा, शिलाजित, सफ़ेद मुस्ली, गोकशुरा, सतावर अच्छे इंग्रेडिएंट्स पाए गए। दोस्तों, ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं और अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है तो उसका लेवल भी कम कर देंगे और हॉर्मोनल इम्बेलेंस की प्रॉब्लम को दूर करके आपका हॉर्मोनल लेवल जो है बैलेंस कर देगा जिससे आपके शरीर की सारी कमजोरी भी दूर होगी और आपकी जो बियर्ड है वो भी ग्रो होगी और थिकर बनेगी। अगर आपकी बियर्ड काफ़ी ज़्यादा पेची है तो उस पेचीनेस को भी कम करने के लिए इस सर्ज मैक्स टेस्टोस्टेरोन बूस्ट की पिल यानी कि जो कैप्सूल है जो रेड कलर में आती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तब बात करेंगे इस पिल को, कैप्सूल को किस तरीके से यूज़ में लेना है। आपको दिन में नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद इसका इस्तेमाल करना है और रात को सोने से पहले इसका यूज़ करना है। आप इसको पानी या दूध में जो भी आपको सूटेबल हो उस हिसाब से इसका सेवन करना है। दिन में आपको दो कैप्सूल लेना है, एक दिन में और रात में। इसका इस्तेमाल आपको कम से कम 6 मंथ तक यूज़ करते रहना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। इससे आपकी बियर्ड 100% ग्रो होगी, बियर्ड थिकर बनेगी, बियर्ड की पेचीनेस दूर होके बियर्ड की लंबाई भी जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी और आपकी जो शरीर की वीकनेस है, स्ट्रेस लेवल है वो भी मेंटेन होके आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा। अब बात करेंगे दोस्तों इस सर्ज मैक्स कैप्सूल की प्राइस की, तो इसके अंदर 60 कैप्सूल आएगी। इस कैप्सूल के मेन MRP की बात करो तो 1000 रुपये के आसपास के लेवल पे लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा भी डिस्काउंट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मार्स बाय जीएससी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर आपको 700 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।